हुआ भी ये इसके पहले जब भी हमारी चर्चाएं होती थी थोड़ा निकल जाने दे भाई, थोड़ा निकल जाए इस साइड से, उजा थोड़ा सा निकल दान दो मैडम को इस तरफ होना। मैं कह रहा था जब भी हम कोई आंदोलन धरना करते हैं तो हमारी बात एक कदम आगे निश्चित रूप से बढ़ती है। और कल हुआ भी ये कि चूंकि माननीय ऊर्जा मंत्री जी उज्जैन में थे और संभवतः वो आते नहीं आते ऐसी परिस्थिति निर्मित हो सकती थी, लेकिन जैसे धरने के संबंध में जानकारी दी गई, चर्चा हुई, तो उन्होंने शाम को 7 बजे मिलने का समय दिया था। उनका एक कार्यक्रम निश्चित था और कार्यक्रम से हम लोगों को लग रहा था कि यहाँ ही 7-7:15 बजे तक उनका कार्यक्रम हुआ नहीं है, कितने में आते हैं, मुलाकात हो पाती कि नहीं, कैसी परिस्थिति होगी, पूरे प्रदेश के लोग आए हुए हैं, उनको सब स्थितियों से अवगत कराया गया। तो उन्होंने लगभग 8 बजे हम लोगों से लगभग 1-1.5 घंटे चर्चा की, 1 घंटे लगभग चर्चा की, भवानी और आप सब लोग उपस्थित थे जो लोग, और काफ़ी सार्थक चर्चा हुई। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि बिना नियम कानून के सुलझा दी जाए, हर चीज़ का एक नियम कानून तरीका होता है। और ऊर्जा मंत्री शासन के मुखिया होने के साथ साथ वैधानिक रूप से कोई लिखी हुई बात अगर कोई चाहता, माननीय ऊर्जा मंत्री तो आपको आश्वासन देते कि आप इस बात की समीक्षा करके हम आपको बता देंगे, इसके लिए हम आपकी बात समाप्त कर देते, हम आपकी समीक्षा कर रहे हैं, शीघ्र निर्णय लेंगे आपका। लेकिन माननीय ऊर्जा मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी ही बात करके नहीं कही, उन्होंने तो समीक्षा के तो पहले ही कह दिया था मैं कर रहा हूँ, उसको निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन इसकी आप लोगों की बात को अमली जामा पहना सके, आपकी बात सही ढंग से पहुँच सके, माननीय ऊर्जा मंत्री जो हमारे साथ हैं, लेकिन सही बात अपर मुख्य सचिव तक आपकी पहुंच सके, उनके साथ उन्होंने फोन लगा के आपकी बैठक आज तय करवाई है। बैठक के परिणाम चर्चा पर निर्भर करते हैं, लेकिन हमारी शक्ति और एकता को देखकर मुझे विश्वास है कि हमारी अधिकतम मांगे मानी जाएंगी और पूर्ण होंगी। निश्चित रूप से आप पूरे क्षेत्रों से आए हैं, बात यह आई कि वहाँ पर फिर यह हुआ कि कल जब चर्चा होगी तो आपके प्रतिनिधि जो वहाँ थे उनसे हमारी बाहर आने पर चर्चा हुई और कहा कि हमारे प्रदेश के लोग चाहते हैं कि हम एकदम अपना धरना समाप्त ना करते हुए, हम चाहते कल तक धरना अपना, जब तक हमारी बात नहीं हो जाती तब तक धरना चले। लेकिन एक नियम होता है, SDM यहाँ के जो होते हैं उनसे परमिशन लेके अपन ही धरना दे सकते हैं। माननीय हमारे प्रदेश महामंत्री जी और माननीय संगठन मंत्री जी भारतीय मजदूर संघ के, उनसे संबंधित DI और जो उपस्थित पुलिस अधिकारी थे उन्होंने कहा इस धरने को तो समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि चर्चा हो गई है और इसके पश्चात आप धरना नहीं रख सकते, बिना परमिशन के मैं धरना नहीं करने दूंगा। माननीय महामंत्री जी, माननीय संगठन मंत्री जी, माननीय महामंत्री KP सिंह जी और माननीय संगठन मंत्री जी हमारे माननीय श्री गणेश मिश्रा जी, दोनों तत्काल प्रदेश सरकार के मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग के लाल सिंह आर जी के पास गए और उन्होंने उनसे इस परमिशन को बढ़वाने का अनुरोध किया, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही दूसरे धरने की अनुमति दी हुई थी और इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके धरने को 12 बजे तक जारी रखने का आश्वासन दिया था। आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रशासन से हमारे किए हुए वादों को, आपकी बात को हम पहुँचा सकते थे और हमने आपकी बात को पहुँचाई और उन्होंने हम आपके आग्रह को स्वीकार करते हुए
ये हम कहा कि 12 बजे तक आप धरना जारी रख सकते हो। ये पहली बार हुआ है कि धरना एक दिन का था, दूसरे दिन धरना बढ़ाया गया और हमें अनुमति मिली। अब बात है कि आज दोपहर के पश्चात, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक है, 10 बजे से 1 बजे के बीच में कैबिनेट की बैठक हो गई होगी संपन्न होने के पश्चात, अपने माननीय हमारे मान्यवर आइए भैया, ये हमारे भारतीय मजदूर संघ के कार्य मंत्री सोलंकी जी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं बताना चाहता हूँ, ये भी दैनिक वेतन भोगियों की लंबे समय से लड़ाई प्रदेश में लड़ रहे हैं और ये दैनिक वेतन भोगियों के संबंध में जो निर्णय आप लोगों ने सुना, ये माननीय सोलंकी जी की बहुत मेहनत का परिणाम, आप लोगों को भी मेहनत का परिणाम मिलेगा भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में। आप विश्वास रखें, आज जो भी चर्चा होगी और चर्चा के लिए जो भी वो तय करेंगे हम सब लोग, उसको आप सब लोग स्वीकार करेंगे। आपके प्रतिनिधि के बतौर यहाँ के प्रतिनिधि पहुँचेंगे, आप सबकी बात हम सब लोग रखेंगे और जो परिणाम आएगा, परिणाम में देर लग सकती है लेकिन निश्चित रूप से सार्थक परिणाम निकलेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी लड़ाई को। तो इस धरना को अपन यही समाप्त करते हुए, हाँ हाल में बैठे मिले जुले है ना ये, लेकिन धरने के रूप में अपन ये धरना यही समाप्त करते हुए धरने को ये आप घोषणा करें कि धरने को यहाँ बैठना है, उठना है, आप सब लोग रुकना है, रुक सकते हैं आज, और उसके पश्चात फिर जो बात होगी उसके पश्चात आप लोगों को बता दिया जाएगा जो परिणाम होगा। और उसके पश्चात आप सब लोग इस बात को भी ध्यान रखें कि हमें किसी के बरगलाने में ना आते हुए अपनी लड़ाई नियमानुसार सही ढंग से सही रास्ते पर चलती रहे, इसके लिए आप लोगों को भी पूरी ताकत भारतीय मजदूर संघ के साथ लगाना होगी। देश का, भारत का प्रथम क्रमांक का अगर संगठन बना है उसमें आप सबकी ताकत सम्मिलित है, ऐसा सोचते हुए हमारा संगठन है ये जो भारतीय मजदूर संघ है, मजदूरों का मजदूरों द्वारा चलाया जाने वाला श्रम संगठन, एकमात्र देश का श्रम संगठन है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपके द्वारा ये संगठन चलता है और उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे। भारत माता की जय। अनुशासन के हिसाब से आप लोग यहाँ बैठे, जी अपना घर है, किसी दूसरे का घर नहीं है, बिल्कुल सही अनुशासन बनाए रखें। ऊपर वाले हॉल में आप लोग चले, सभी लोग हॉल में आप लोग विश्राम करें, जो कुछ करना है लेटना हो सोना हो, सभी लोग ऊपर वाले हॉल में चले, फ्रेश वगैरह सब, हाँ ठीक है, आराम से मगर शांति से हल्ला आ जाओ।